मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, इसका नाम कपिल है, कपिल बुराड़ी से आया है और इसको स्लिप डिस्क है, इसने MRI कराई हुई है ना, हाँ जी, हाँ और 1 महीने से ये परेशान है। जी, वन एंड हाफ इसकी मंथ। या इसकी काफ़ी सारी डिस्क में दिक्कत है, बट MRI में जो दिख रहा है वो प्रोट्रूजन बोलते हैं उसको, स्लिप डिस्क नहीं बोलते, बट किसी को समझाने के लिए आप उसको स्लिप डिस्क ही बोलते हैं। जब तक कि डिस्क अपनी जगह से पूरी बाहर ना चली जाए उसको स्लिप डिस्क नहीं बोलते, ठीक है ना। तो उसमें सब जगह लिखा हुआ है, डिस्क काफ़ी ज़्यादा अभी आपके अंदर है, अभी बाहर नहीं निकली, वो सिर्फ टच कर रही है बाहर निकलने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कम दिक्कत होने के बावजूद भी इसको टांग में रेडिएशन जा रहा है, नमनेस जा रहा है, जिसको हम शाटिका बोलते हैं। शाटिका वो कंडीशन होती है जब किसी तरह से इसकी नस पे प्रेशर आने लग जाता है, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं कि डिस्क ही नर्व पे प्रेशर डालती है, बट ऐसा नहीं होता। डिस्क के साथ साथ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आसपास के, वर्टिब्रास, जॉइंट या उसका मिसअलाइनमेंट या सबलक्सेशन, ये सब भी डालते हैं। तो हम ये चैलेंज लेते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें, क्योंकि डिस्क हमने देखी है बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है, प्रोट्रूजन वाली फेज में है, तो इसको जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन 1-1.5 महीना इसको हो चुका है, अभी देखते हैं कितने जल्दी ये ठीक होता है। आज हम इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं, आपको इसकी स्टोरी कंटिन्यूसली अपडेट देते रहेंगे। जब भी हमारे पास रेगुलरली आएगा इसको, हम अभी तो रोज आने के लिए बोला, ताकि 3-4-5 दिन में हम ये देख सकें कि ये कितना इम्प्रूव हो रहा है। तो वील गिव यू स्टोरी एवरी डे, ठीक है कपिल, ओके सर, है ना। तो ये बाकी लोगों के लिए भी होता है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ये भी बोलते हैं ये तो सारे फेक हैं, ये सिर्फ आवाजें दिखाते हैं। तो पहले तो व्यूअर्स मैं बता दूं, हम फीमेल्स, हमारे पास ज्यादा वीडियोस नहीं बनवाती हैं। आप जो बहुत ज्यादा फैंसी वीडियोस देखते होंगे, जो तुमने जहाँ से देखना चालू करा होगा, हमारे पास कोई वीडियोग्राफर नहीं है, हमारे पास एक हमारा हेल्पर है जो सारी चीजें करता है ना। हम इम्प्रूव कर रहे हैं क्वालिटी, बट हमारा सब कुछ अनएडिटेड होता है, उसमें कहीं से कोई भी वॉइस ना ऐड, इसीलिए बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस नहीं देखते, नहीं क्योंकि देखते हैं। वो उसमें आवाजें एडिट नहीं होती। हमारा छोटा सा ये ना 2,000 रुपये वाला माइक है, जब हम पैसे बनाएंगे, बट बिकॉज यूट्यूब हमारा मेन कमर्शियल बिजनेस नहीं है, हमारे लिए स्टोरी दिखाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या ये बोलो कि मैं अपनी लाइब्रेरी बना रहा हूँ, राइट, उसमें पेशेंट ठीक होता है, 4 लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, यही हमारा यूट्यूब के माध्यम से पर्पस है। आएंगे लेटेंगे, हाँ, हम कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करते रहते हैं कि आपको कैसे बेटर क्वालिटी दे सके। रिलैक्स, इजी। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, ये सारी तो उसकी दिक्कत हो गई, ये बहुत जिम करता था, मसल्स इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड है, अगर ये मसल्स इतनी हार्ड नहीं होती तो ये शायद और जल्दी ठीक हो जाता। और इम्बैलेंस है, मैं दिखाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें बात कर सकता हूँ, जैसे कि आप बाकी वीडियोस में देखते हैं, बट ये जो लेफ्ट साइड की मसल है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और ये भी लगता है ये मसल उन लोगों की प्रोमिनेंट होती है ज़्यादा डेडलिफ्ट करते हैं, है ना। बैक एक्सटेंसर्स की मसल होती है, आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा। तो इसी को हम इम्प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या बेटर होता है। और जब भी इसके साथ वीडियो बनाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये वीडियो चाहे 2 बार मिले दिन में, रेगुलरली अपडेट देते रहेंगे, ठीक है कपिल। हाँ जी सर, तो दोस्तों को भी आप अपनी अपडेट सुना सकते हो, है ना, बीच में मत भाग जाना ताकि स्टोरी अधूरी रह जाए, है ना। लोग सोचते रहेंगे क्या हुआ कपिल का, सो आई एम गोइंग जेंटल। आप भी देख सकते हैं थोड़ी सी पोजीशनिंग हमने चेंज की है, जगह खाली की है। लेट्स सी व्हाट दैट ब्रीद आउट ब्रीद आउट, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, ब्रीद आउट ब्रीद आउट छोड़ेंगे, टर्न करेंगे, नीचे वाला पाँव सीधा, रिलैक्स, ब्रीथ आउट उस तरफ, ब्रीथ
बाइक चला के तो नहीं आया? नहीं, कार से। हाँ, वरना मैं ट्रीटमेंट से मना कर देता कि मैंने जो कुछ भी किया वो तो बाइक चलाने के बाद खत्म हो जाएगा घर पहुंचते। रिलैक्स बेटा। सीधा ले लेंगे, सीधा। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि मैं ये बैक पेन के साथ में आया तो उसकी नेक क्यों कर रहा हूँ या दूसरी पार्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्पाइन पूरी एक होती है, तो हो सकता है प्रेशर कमर का भी गर्दन तक जा रहा हो या गर्दन का प्रेशर की वजह से कमर तक आ रहा हो, तो हम इस वजह से भी कोई भी जॉइंट या कोई भी पार्ट नहीं छोड़ते। इजी इजी छोड़ दें। हाँ जो अभी क्योंकि नर्व का पेन है, मैं इंस्टेंटली जानता हूँ कि एकदम से दो मिनट में इसका इम्प्रूव नहीं होगा, बट तब भी इससे पूछूंगा रोज और आप लोगों को इसकी स्टोरी बताऊंगा कि क्या हो रहा है। आ जाओ। कैसा फील हो रहा है? लाइट लाइट सा लग रहा है। लाइट टांग का दर्द चलने पर जो होता है? नहीं, पहले लेट के एकदम से खड़ा होना तो लगता था पेन, अब कम लग रहा है। 19-20 है? 19-20 है, हिप पे। तो व्यूअर्स को बोलो कि कल के लिए अपडेट रहे, है ना? कल के लिए अपडेट। कल किस टाइम आओगे? तो उसके एक घंटे बाद का टाइम दे देंगे ना व्यूअर्स को देखने के लिए। कल इवनिंग ही सर, इसी टाइम। अगर आप देख, मैं मेरे लिए तो क्लिनिक ही है, बट किस टाइम बताएगा तो उनको बता दे किस टाइम आएगा। 4 बजे? 5 बजे? 5 बजे। तो व्यूअर्स को वीडियो तो फिर 7 बजे मिलेगी ना, 5 से 6 तेरा ट्रीटमेंट होगा। तो 7 o'clock के लिए अपडेट रहें कि वीडियो देखें कि कपिल क्या बताता है, ठीक है? थैंक यू, कीप वॉचिंग अस, शेयर द वीडियो, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं जो भी दिक्कत है और कपिल की स्टोरी शेयर करें। थैंक यू। 7 बजे देखें और करें।